नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निखिल और यह है ललन टॉप का न्यूज़ रूम। प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है ज़्यादातर लोगों के मन में वो ऐसी है कि वो एक मास्टर कम्युनिकेटर है। वो जो भी बात बोलते हैं लोगों के सीधे दिल में उतर जाती है, इस तरह से बोलते हैं कि लोग उसे डिनाई नहीं कर पाते। लेकिन वो सारी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी के मुँह से निकलती हैं वो कॉन्टेंट वाइज सही हों ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम औरतों को बगैर महरम हज पर जाने की छूट देने के बारे में उनके बयान के केस में भी ऐसा ही है। इस्लाम में महरम का मतलब गार्डियन से होता है, जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस पे भी गार्डियंस होते हैं। एक मुस्लिम औरत का महरम या तो उसका पति होता है या फिर ऐसा बालिग लड़का या आदमी जिससे उसका खून का रिश्ता हो। 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात के एपिसोड में प्रधानमंत्री बोल गए कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को उन्होंने सुझाव दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी महिलाओं को हज जाने की अनुमति मिले जो अकेले आवेदन कर रही है। साथ ही उन्हें स्पेशल श्रेणी में अवसर दिया जाए। इसका मतलब ये निकला कि पहले औरतें बिना महरम हज पर जा ही नहीं सकती थी। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के अगले ही दिन कांग्रेस नेता शकील अहमद ने एक ट्वीट कर दिया और कहा कि महरम वाला नियम तो सऊदी सरकार ने बदला है, तो क्रेडिट मोदी जी ने कैसे ले लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कमोबेश यही बात कही। तो दोस्तों, सच क्या है? प्रधानमंत्री मोदी सच कह रहे हैं या फिर शकील और ओवैसी? पहले हम उस नियम को जान लेते हैं जिसके लिए इतनी सारी बयानबाजी हो रही थी। भारत के नागरिक हज पर यूं ही नहीं जा सकते, आपको आवेदन देना होता है, वो स्वीकार हुआ तब आप हज पर जाते हैं। अब तक हज कमेटी ऑफ इंडिया का ये नियम था कि हज पर जाने वाली महिलाओं के साथ एक महरम ज़रूर होना चाहिए। हज के लिए एप्लीकेशन में महरम और उससे रिश्ता लिखना ज़रूरी था। अब आते हैं कि ये असल नियम था किसका और इसे किसने बदला। काबा सऊदी अरब में है, तो हज पर क्या करें या न करें वाले नियम सऊदी सरकार ही बनाती है। इन नियमों के मुताबिक कोई अकेली औरत हज नहीं कर सकती थी। फिर 2014 में सऊदी सरकार ने इस नियम को थोड़ा रिलैक्स किया, कहा कि 45 साल से ज़्यादा उम्र वाली औरतें बिना महरम के भी हज कर सकती हैं, बशर्ते उनके महरम इजाज़त दें और वो 4-5 का एक ग्रुप बना करके आएँ। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें लाल बक्से के अंदर यही नियम अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो फिर मोदी सरकार ने क्या किया? हज कमेटी ऑफ इंडिया आवेदन लेते हुए उन्हीं सब नियमों का पालन करती थी जो सऊदी सरकार के बनाए होते हैं। तो महरम वाला नियम भी जो जैसा सऊदी सरकार ने बनाया था वैसा का वैसा उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट किया। और 2014 में इस नियम के बदलने के बावजूद हिंदुस्तान में यह नियम नहीं बदला, जबकि मूल नियम चेंज हो गया था। फिर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक पैनल बनाया। इस पैनल का काम था कि 2018 से 2022 के बीच वो हिंदुस्तान में हज पॉलिसी बनाने वाले थे। इस पैनल ने सरकार से अपनी सिफारिश में कहा कि 45 साल से ऊपर की औरतों को बिना महरम हज पर जाने देना चाहिए, बशर्ते वो 4 या 5 के ग्रुप में जाएं। सरकार ने इस सिफारिश को माना है। बस अब प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि वो क्यों बोल गए कि उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से नियम बदलने को कहा था। ऐसा भी नहीं है कि सऊदी सरकार के नियम बदलने से पहले या प्रधानमंत्री मोदी के इस नियम को सो कॉल्ड कोट एंड कोट शिथिल करने से पहले औरतें बिना महरम के हज पर नहीं जाती थी। औरतें हमेशा से बिना महरम हज पर जाती रही हैं। भारत के 1,70,000 के कोटे में से लगभग 45,000 लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज पर जाते हैं। ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर 2014 के बाद से औरतों को बिना महरम हज पर ले जाते रहे हैं। 1997 में प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के आने से पहले भी औरतें ग्रुप बनाकर हज पर जाती रही हैं। कभी ये हज पर जा रहे किसी बड़े दल में शामिल हो जाती थी, तो कभी किसी अनजान को कागज़ पर महरम बता देती थी। तो फ्रेंड्स, कुल जमा बात यह है कि 45 साल से ज़्यादा की उम्र की औरतें हमेशा से बिना महरम के हज करती रही हैं। जो रोक लगी थी वो सऊदी सरकार का नियम था और उसी ने इसे बदला भी है। भारत सरकार ने उन नियमों को बस अपने यहाँ लागू किया है, वो भी 3 साल की देरी से। इसका फ़ायदा भी सिर्फ उन औरतों को मिलेगा जो हज कमेटी के जरिए हज पर जाएंगी। अब प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो कहा वो क्यों कहा उनका मन ही जानता है। चलते चलते एक कायदे की बात और हम आपको बता देते हैं, वो ये कि ये महरम वाला कानून आया कहाँ से है। ख्यात इतिहासकार राणा सफ़ी ने अंग्रेज़ी वेबसाइट डेली वो में लिखे एक लेख में तफसील से बताया है कि हज पर जाने वाली महिलाओं के साथ महरम होने की शर्त इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। वो कहती हैं, कुरान में लगभग 25 ऐसी आयतें हैं जो बताती हैं कि हज के दौरान क्या सही है और क्या नहीं। इनमें से एक में भी यह नहीं लिखा है कि हज जाने वाली औरत के साथ कोई महरम हो। महरम वाली शर्त सऊदी अरब के कानून में है और चूंकि काबा सऊदी अरब में है तो वहाँ जाने के लिए आपको उस देश के नियम मानने पड़ते हैं।
कुछ लोग महरम की शर्त को हदीस का हिस्सा भी बताते हैं, लेकिन हदीस का संकलन मोहम्मद साहब के समय में किया गया था और तब वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ थी कि जो मक्का तक का रास्ता था वो रेगिस्तान से गुजरता था, पानी नहीं होता था और चोर उचक्के डाकों का काफ़ी खतरा होता था। इसलिए ऐसा कहा गया था कि अगर कोई लेडी वहाँ जा रही है तो उसे एक मेल मेंबर अकंपनी करे जो कि महरम हो। और इस्लाम के भीतर से ही, इस्लामिक कम्युनिटी के भीतर से ही हदीस में जिस तरह की बातें लिखी हुई हैं उनको समय समय पर बदलने की बातें होती रही हैं। तो सऊदी सरकार ने जिस तरह पिछले दिनों औरतों को ड्राइविंग अलाउ की है वहाँ पे, उसी तरह आने वाले समय में ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो बिना महरम 45 साल से कम उम्र की औरतों को भी हज पर आने की अनुमति दे दें। ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनके देश में मक्का पड़ता है। तो ये था बिना महरम औरतों के सऊदी हज के लिए सऊदी जाने पर जो नियम बने थे उसमें भारत सरकार ने क्या ढील दी है, नहीं दी है, और अगर वो दी है तो किसने दी है, उस सब का सच। इस तरह के और मिथबस्टर्स आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर इस वीडियो का यूट्यूब कट आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।